हेलो फ्रेंड्स, हेल्दी रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे कच्चे आम का इंस्टेंट चुंदा जो झटपट बन जाता है। तो हमने 300 ग्राम कच्चे आम लिए हैं, आधा चम्मच भुना जीरा और काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच काला नमक, आधा चम्मच सादा नमक, 100 ग्राम गुड़, 200 ग्राम चीनी। सबसे पहले जो आम लिए हैं इनको छील लेंगे। ये धुल लिए हैं हमने दो बार अच्छे से पानी से, उसके बाद पोंछ लिए हैं। आम को हमने छील लिया है, अभी इसे कद्दूकस कर लेंगे, कस लेंगे। आम को हमने कस लिया है और गुठली अलग कर दी है, इसका बीज जो है वो अलग कर देंगे और इसको हम पैन में डाल देंगे। कटे हुए आम को गैस ऑन कर देंगे, गैस का फ्लेम धीमा रखेंगे और इसमें चीनी डाल देंगे। चीनी जो लिए हमने, चीनी आप अपने टेस्ट के अनुसार इसमें कम या ज्यादा कर सकते हैं। हल्दी डाल देंगे, लाल मिर्च पाउडर, काला नमक, सादा नमक, इसमें ये जो गुड़ लिया है हमने ये भी डाल देंगे। धीमी गैस पर इसको लगातार चलाते हुए हम पकाएंगे। इसमें हम भुना जीरा और काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे, आप इसमें गरम मसाला भी डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर देंगे। आम का चुंदा बन करके तैयार है। चुंदा बनने की पहचान ये है कि इसमें एक तार बन जाता है। ये देखिए, एक तार बनने तक हमें इसे पकाना होता है। एक तार निकल रहा है, बस इतना ही हमें चाहिए। आम का खट्टा मीठा चुंदा बन करके तैयार है। जब ये ठंडा हो जाए तो इसे बंद कंटेनर में भर के रख दें। आप इसको पूरी, पराठे या रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं और बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं। चटनी के रूप में ये बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। आप इसे बनाइए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।